हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। ठीक है, आज जो हम क्लास करने जा रहे हैं ये हमारा करेंट अफेयर्स का क्लास है। ओके, ये 19 अक्टूबर का करेंट अफेयर्स का क्लास है। तो चलिए करेंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। पहला करेंट अफेयर्स है द होलसेल बेस्ड WPI इन्फ्लेशन इज टू 10.7% इन सेप्टेम्बर एज अगेंस्ट 12.41% इन अगस्त 2022। यानी थोक आधारित WPI मुद्रा स्फीति सितंबर में घटकर 10.7% हो गई है, जो अगस्त 2022 में 12.41% थी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट करंट अफेयर्स है मिनिस्ट्री ऑफ, ये जो है इसी में जानिए कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया कौन है। तो श्री पीयूष गोयल है। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया श्री पीयूष गोयल, और फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया निर्मला सीतारमन जी हैं। ओके, नेक्स्ट करेंट अफेयर्स देखिए। होम मिनिस्टर अमित शाह लॉन्चेज फर्स्ट हिंदी वर्जन ऑफ MBBS कोर्स बुक्स इन भोपाल। यानी कि गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल में MBBS पाठ्यक्रम की किताबों का पहला हिंदी संस्करण लॉन्च किया। कुछ मुख्य बातें इस करेंट अफेयर्स के बारे में। इट इज द फर्स्ट इवर हिंदी वर्जन ऑफ द MBBS कोर्स बुक्स इन इंडिया। यह भारत में MBBS पाठ्यक्रम की किताबों का पहला हिंदी संस्करण है। द बुक लॉन्च इवेंट वॉज फेलिसिटेटेड बाय द भोपाल स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर विश्वास कैलाश सारंग एंड भोपाल CM शिवराज सिंह चौहान। यानी पुस्तक विमोचन समारोह को भोपाल राज्य के शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग और भोपाल के CM शिवराज सिंह चौहान ने सम्मानित किया। नेक्स्ट करेंट अफेयर्स है जस्टिस DY चंद्रचूड़ अपॉइंटेड द फिफ्थ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यानी कि न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ बने भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश। जानिए कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स इस करेंट अफेयर्स के बारे में। जस्टिस DY चंद्रचूड़ विल टेक ओथ एज द फिफ्थ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑन नवंबर 9, 2022। यानी न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ 9 नवंबर 2022 को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अपॉइंटेड जस्टिस DY चंद्रचूड़ एज द फिफ्थ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया। ठीक है, जस्टिस चंद्रचूड़ विल टेक ओथ ऑन नवंबर 9। यानी कि जस्टिस चंद्रचूड़ जो है 9 नवंबर को शपथ लेंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट करेंट अफेयर्स है ICC टू प्रमोट जेंडर इक्वलिटी इन टाई अप विथ यूनिसेफ। यूनिसेफ के साथ गठजोड़ कर लैंगिक समानता को बढ़ावा देगा ICC। ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ओके, द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हैज इंटर्न इनटू ए पार्टनरशिप विथ यूनिसेफ टू एम्पावर वुमेन एंड गर्ल्स एंड टू प्रमोट इंक्लूजन एंड जेंडर इक्वलिटी थ्रू क्रिकेट। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने और क्रिकेट के माध्यम से समावेश और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए यूनिसेफ के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट करेंट अफेयर्स है बंधन बैंक रोप्स इन सौरभ गांगुली एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। यानी कि बंधन बैंक ने सौरभ गांगुली को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। एज पर द कंपनी गांगुली विल हेल्प एम्पलीफाई द ब्रांड मैसेज ऑफ द बैंक एंड इंडोर्स द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफ द बैंक। यानी कंपनी के अनुसार गांगुली बैंक के ब्रांड संदेश को बढ़ाने और बैंक के उत्पादों और सेवाओं का समर्थन करने में मदद करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा आज का करेंट अफेयर्स का क्लास था। जो भी लोग नए हैं मेरे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।